कल्याणी ट्रेडर्स बेला, हमारे पास सभी प्रकार के बीज बियाने और दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसा कि सेफिना, फाइक्सर, ऊ लाला, आपाचे, डेलिकेट, ट्रेजर, रिसेंट पोलो, डेनिटॉल, अस्टाप, टपुश और भी अन्य प्रकार के दवाइयाँ वाजबी दाम में हमारे पास मिलेंगे। प्रोफाइटर शंकर भोयर और संपर्क करें वंशी भोयर को। मोबाइल नंबर 9133538313 और 7013652167। हमारा पता है मेन रोड बेला, SBI बैंक के बाजू में। एक बार अवश्य पधारे और हमें सेवा का मौका दे। आपका शंकर भोयर। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम छपराला गांव में हैं और छपराला गांव के मजदूर हो गए हैं वेतन के लिए मजबूर। इन लोगों को अब ये लोग जो है 400 के लगभग करीब लोग हैं इस गांव में, और इस गांव के लोग हैं, इन मजदूरों को भी अब रिश्वत देनी पड़ रही है। देखिए, इससे घटिया काम कौन सा हो सकता है। अगर मजदूर अपना पसीना गाड़ कर, मजदूर अपना दिन भर धूप में मेहनत कर, धूप काले में जो धूप के दिन होते हैं, उन धूप के दिनों में अपना पसीना गाड़ कर भी अगर रिश्वत दे, तो समझ जाइए कि इतने कितने बुरे दिन आ चुके हैं। दर्शकों जी, हम अभी छपराला में हैं और ये छपराला के मजदूर लोग हैं, ये जो 100 दिन का काम करते हैं, रोजगार हमी पत्कम, जिसे सरकार जो जहां पर भी काम नहीं होता है वहां पर काम दिलाया जाता है, और उन काम दिलाने की वजह से इन लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक महीना नहीं, दो महीने नहीं, छह महीने नहीं, साल नहीं, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मजदूर हैं जिनको दो दो साल से NREGS के तहत जो काम चलता है उसके पैसे नहीं पहुंचे। अभी सरकार तो कह रही है कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफर यानी DBT के जरिए से इन लोगों के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन ये लोगों का कहना है, ये लोगों का पूछना है कि अभी तक छह महीने हो रहे तो भी अभी तक हमारे पैसे अभी तक नहीं आए। अगर ऑफिसरों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि अकाउंट बराबर नहीं है। इन लोगों का कहना, मजदूर लोगों का कहना है कि पहली जो किस्त थी, पहली जो वेतन थी, हमें पहुंची, लेकिन उसके बाद में ही सडनली ऐसा क्या हो गया कि हमारा अकाउंट ही सही नहीं है। बहुत से बातें हैं इनके पास और बहुत से समस्या भी है, और इन लोगों का कहना है कि हमारे को मेहनत करके भी जो TA है, इनका आरोप है, इन मजदूरों का आरोप है कि TA हमारे पास से पैसे लेते थे कि तुम्हारे को हम पैसे डाल देंगे, फिर उसके बाद में आप हमें 100 रुपए देना, 150 रुपए देना। एक एक मजदूर ने यहाँ पर पैसे दिया है उनको, एक एक मजदूर ने उस TA को पैसे देकर भी इन लोगों के हाथ खाली है और ये रोड पर उतरे हैं। अभी यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है। DRDP और उनके साथ एडिशनल कलेक्टर रिजवान पाशा शेख, यहाँ पर किडान मैदान का उद्घाटन था, उस वक्त भी आकर इन मजदूरों ने उनका रास्ता रोका। उनसे पूछा गया कि हमारे पैसे अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा जो घर चलाना होता है, घर संसार होता है, हमारा राशन पानी होता है, बीमारी सुमारी का जो मसला होता है, वो इसके भरोसे में रहते हैं और इसकी आस में रहते हैं, लेकिन ये आस इनकी निराशा में बदल गई। लेकिन आज तक यहाँ पर एक रुपया भी इन लोगों को नहीं पहुंचा, जो पहली किस्त थी वही पहुंची। दर्शकों, अभी हाल ही में 2 दिन पहले जिला नहीं।
उपाधि काम मारून आम्ही जेवलो नाही खावलो नाही चहा नाही पाणी नाही आम्ही कामाले गेलो आता पोटासाठी म्हणून आम्ही काय काही करत आहोत तर आम्हाला एक रुपया गेल्या वर्षीपासून नाही येत आहे तर मग आम्ही कोणापाशी जावं कोणापाशी नाही समजलं पाशी गेला तर नाही का अकाउंट नंबर असं म्हणते तसं म्हणते कोणी धरून घेत नाही काही नाही मग आम्ही कोणापाशी जावं कोणापाशी नाही म्हणून नाही का आम्ही असंच आहो गेल्या वर्षीपासून आम्हाला एक रुपया नाही येत आहे मग आम्ही कलेक्टर पाशी जाऊन नाही का आम्ही धारणा धरतो म्हणून आमचा इच्छा आहे तुम्ही कोणाला पैसे दिले का आम्ही कोणाला पैसे म्हणत मागले तरी नाही का 200-300 म्हणून दिले आम्हाला मागले मागणार वाले आले होते काय बोलले नाही पोस्ट ऑफिसला चेक केल्या बँकला चेक केल्या रुपया नाही कोटे गेला तर नाही का पैसे नाही पडले म्हणून आता सांगत आहे लेकिन आज तक यहाँ पर एक रुपया भी इन लोगों को नहीं पहुंचा, जो पहली किस्त वही पहुंची। दर्शकों अभी हाल ही में दो दिन पहले जिला कलेक्टर सीता पटनायक डीआरडीपीडी किशन और एडिशनल कलेक्टर रिजवान पाशा इनके साथ फिर से इनकी एक बार मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी वो जो ऑफिसर थे वो जो कलेक्टर थे उनका कहना यही था कि अकाउंट बराबर नहीं है, अकाउंट बराबर होने के बाद में आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन दर्शकों इन लोगों का कहना है कि ये कब तक चलेंगे बहानेबाजी, यहाँ तो सरकार कह रही है कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर आपके अकाउंट में डीबीटी के जरिए से डायरेक्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो रहा। जो पहले जो था वो सही था, ये लोग अपने पासबुक लेकर जाकर चक्रे काटते हैं, पोस्ट ऑफिस के चक्रे काटते हैं, जाकर दिन भर बैठते हैं, सुबह आज में आते हैं, सुबह आज लेकर जाते हैं कि आज पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन वहां से भी निराशा आती है। पोस्टमैन कहता है कि आज भी आपके पैसे नहीं गिरे। दर्शकों आज वही हाल और उसी संदर्भ में आज छपराला गांव में आए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पूरे त्रासदस्त मजदूर हैं, ये अब मजबूर हो गए हैं और ये मजबूरी में अपना जो कदम है वो आगे उठाना चाहते हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर इससे भी अगर हमारे पैसे इन 8 दिनों के अंदर नहीं आए तो हम इसके आगे क्या करेंगे वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा घरदार चलना और घरदार को चलाना बहुत ही दुश्वार हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। డబ్బులు ఇప్పించగలరు అయినా కూడా డబ్బులు ఒక్క రూపాయి కూడా పడితే మళ్ళీ వారం రోజులలో ఇప్పిస్తానని చెప్పింది. మరి వారం రోజులు నిన్న వయసారికి ఏపీఎస్ఆర్ దగ్గర కలిస్తే మీరు మొత్తం వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క అకౌంట్లు ఎన్ని డబ్బులు పడ్డాయో, సరే ఎన్ని రోజులు పడుతున్నాయంటే ఒక వారం 10-15 రోజులకి పడుతున్నా అంటున్నాడు పోయేసరికి. ఎప్పుడు పోయినా కూడా అదే ఒకటే ముచ్చట, తర్వాత వారం రోజులు పడుతుంది 10 రోజులు పడుతుంది ఒకటే ముచ్చట. कोठा बनाया, फिर अपने खेत में कोठा बनाया, फिर उसके बाद में इस गांव में जो है अपने खेतों में कुआं खोदा और कोई तो अपने जानवरों के लिए चारा भी डाले एनआरई जिसके तहत जो रकम आने की थी वो भी पेंडिंग है। देखिए वो तो अलग बात रही गई, वो तो चलिए वो तो दे रहा है आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इन मजदूर अपनी मेहनत कर काम कर रहे हैं उन लोगों के पैसे नहीं आए, ऐसा इन लोगों का आरोप है। अगर इनका कहना ये है कि अगर 8 दिन के अंदर इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ये कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर धरना देंगे, ये और ये धरने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा ही उनका कहना है। धन्यवाद पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ, कैमरा मैन दीपक दुवते के साथ इस्माइल शेख, माय माउली छपरा।